हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं कोर्स की, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके आगे हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी दिखाएंगे। तो देखो, हम लोग 1998 से SSC बैंक कैट को पढ़ा रहे हैं, NDA CDS को भी पढ़ा रहे हैं। पिछले 7-8 साल से हम लोग SSC और बैंक पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो देखो, SSC में स्टूडेंट के पास दो चॉइसेस होती हैं, बल्कि तीन चॉइसेस होती हैं। अभी तक दो चॉइसेस थी कि आप कोचिंग ज्वाइन करें या वो सेल्फ स्टडी करें। और अब हम लोगों ने उनको एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया है, ही विल टेक अवर पेन ड्राइव और DVD कोर्स। राइट, वी आर प्रोवाइडिंग दिस पेन ड्राइव एंड DVD कोर्स फ्रॉम। अच्छा, अब इससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जहां पर कि जिनके पास उतने एफर्ट्स नहीं है, वो लगा पाते हैं कि बड़ी शहर में जाके कोचिंग करें। तो हमने सभी अच्छे टीचर्स का मटेरियल पेन ड्राइव या DVD कोर्स में इंक्लूड किया है। इस वीडियो में आप आगे देखोगे उस पेन ड्राइव DVD कोर्स का कंटेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इस पेन ड्राइव DVD कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, SSC प्री या CPSI की हम बात करते हैं तो इसमें आता है मैथ्स, इंग्लिश, GS एंड रीजनिंग। ये पूरा कोर्स हमारा पेन ड्राइव में आपको मिलेगा। मैथ्स का हमने फरवरी 2015 में लॉन्च किया था और उसके बाद से उसकी बहुत डिमांड रही। अब हमने मई 2017 में पूरा मैथ्स का कोर्स चेंज कर दिया, नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जो भी ऑर्डर होंगे उसको नया कोर्स मिलेगा मैथ्स का, जिसमें कि एक दो चैप्टर इंक्रीज भी हो गए हैं और हर चैप्टर में नए क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। और पूरा हमने पूरा प्रैक्टिस शीट और उसकी वीडियो सॉल्यूशन चेंज कर दिया है। इंग्लिश का कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, GS और रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद SSC मेंस की हम बात करते हैं। मेंस में इंग्लिश और मैथ्स आता है, तो मैथ्स का और इंग्लिश का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है SSC प्रीवियस ईयर मैथ। SSC प्रीवियस ईयर मैथ में SSC में अभी तक पूछे गए 1999 से लेकर 2016 तक, इवन 2016 का मेंस का पेपर भी इंक्लूडेड है। इसमें टोटल 5461 क्वेश्चंस हैं। लोग कहते हैं सर अब तो 7200 क्वेश्चन बुक्स में आ रहे हैं। देखो, DI के 900 क्वेश्चन को करने से बार बार फायदा नहीं है, हमने उनके 800 क्वेश्चन हटा दिए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत सेम थे, उनको हटा दिया, मतलब हमने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। तो DI में खाली 100 क्वेश्चन रखे, तो अगर हम 800 कम करते तो ये तो 6400 हो गया। और प्लस 1000 क्वेश्चन हम हर चैप्टर से कुछ कुछ कम कर दिए, तो हमारे पास टोटल फाइनली 5461 अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें कि मेंस 2016 के 300 क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूडेड है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा पूरा कोर्स जो SSC के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग खाली मैथ्स का कॉम्बो प्लान भी ले सकते हो। मैथ्स का कॉम्बो प्लान हमारा क्या क्या है, प्री का मैथ्स होगी जिसमें कि आपके 70 आवर्स की वीडियो है, मेंस की मैथ होगी जो कि हमारी 40 आवर्स की वीडियो है, और प्रीवियस ईयर मैथ्स जो मैंने ये प्रोडक्ट बताया ये होगा आपका 90 आवर्स का। तो दिस इज व्हाट अवर कंप्लीट कोर्स, यू कैन परचेज अवर मैथ्स कोर्स और यू कैन परचेज अवर प्री, मेंस और प्रीवियस ईयर कोर्स। अगर आप अभी भी पेन ड्राइव और DVD से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो कोचिंग है लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है और हम लोग सन 1998 से इस पर वर्क कर रहे हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि पेन ड्राइव से पढ़ना या टीचर के सामने पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ पार्ट दिखाएंगे SSC मैथ्स हमारा जो नया कोर्स है, ठीक है। इसमें हमने हर चैप्टर में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नए क्वेश्चन इंक्लूड किए, तो मैं इस वीडियो में आगे अब आपको दिखाऊंगा कि उस पेन ड्राइव में मैथ्स प्री का कुछ पार्ट आपको दिखाते हैं, ओके। और कुछ वीडियो में हम आपको मैथ्स इंग्लिश का भी वीडियो देंगे, GS भी देंगे, रीजनिंग भी देंगे। तो आप देखिए और जज करिए कि किस तरह से आपके लिए पेन ड्राइव कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो पेन ड्राइव कोर्स है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो और आप जॉब को स्विच करना चाहते हो, आप अगर बैंक में जॉब कर रहे हो, आप SSC माना चाहते हो और आपके पास कोचिंग जाने का टाइम नहीं है, या आपकी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में जहां पर के आसपास कोई भी अच्छी कोचिंग नहीं, तो आप पेन ड्राइव कोर्स हमारी अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उसको ले सकते हो। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको भी अपना लगता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, तो ये पेन ड्राइव कोर्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है।
अब आप देखिए कि हम पेन ड्राइव कोर्स का एक पर्टिकुलर पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हमारा एक्चुअल डीवीडी या पेन ड्राइव कोर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस दैट आंसर इज ऑलवेज एक्स प्लस एट अपॉन एक्स माइनस रूट एट। फॉर दिस टाइप ऑफ वैल्यू आंसर इज ऑलवेज रूट एक्स माइनस रूट ट्वेल्व, आंसर इज ऑलवेज टू। याद रखना इस बात को, बताया था ना। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल थ्री एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल फोर एंड गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन। अगर आप इनका स्क्वायर कर देते हो और ऐड करते हो, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई इज इक्वल नाइन। इधर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई इज इक्वल फोर, सिक्सटीन। इनको ऐड कर लो, ये कट गया, दिस इज सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस, और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लेने क्या बचेगा, पूरे में से एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी हैव टू कैलकुलेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन दिया हुआ है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वुड बी 25। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इफ सम ऑफ नंबर्स गिवन देन देयर प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम इफ दे आर इक्वल या वैल्यूज आर इक्वल। देखो ए बी सी डी का सम दिया है वन और इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम पूछा हुआ है, प्रोडक्ट साथ वन भी साथ में है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी डी इज इक्वल फोर है तो ईच वैल्यू इक्वल होगी, मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं सबको ए रख लेता हूं तो फोर ए इज इक्वल वन आ गया, ए कितना होगा तो सब कुछ वन होगा, वन बाई फोर होगा, पुट करो वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर, हर टर्म फाइव बाई फोर, आंसर इज फाइव बाई फोर टू द पावर फोर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। बहुत सिंपल रूल है, अगर सम दे रखा है प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब वो सब इक्वल हो। अगर आपको दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल सिक्स और बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर इक्वल, तो एक्स भी थ्री वाई भी थ्री नाइन इज द मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट की। तो जब भी सम दिया हो ना सबको बराबर कर लो, तो हिसाब से वन बाई फोर आ गया, सब जगह वन बाई फोर पुट कर दो। ओके, ए इज इक्वल एक्स प्लस वाई, बी इज इक्वल एक्स माइनस वाई, सी इज इक्वल एक्स प्लस टू वाई, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ओके, देखो रूल होता है, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या होता है हाफ, याद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए, ये पैटर्न याद रखना। तो देखो ए माइनस बी करो, ए माइनस बी करेंगे तो क्या बचेगा टू वाई, माइनस का टू वाई होगा स्क्वायर हो जाएगा, और b माइनस सी करोगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस टू वाई क्या होगा माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर, और c माइनस ए y बचेगा, ये तो होगा, तो दिस इज फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारे माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन टू, आंसर इज सेवन वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू मान लो वन, वाई की मान लो टू, जेड की मान लो वन, या एक्स वाई जेड बराबर भी मान सकते हो। ठीक है ना, सबको वन वन भी मान लो तो भी आंसर आ जाएगा। नाउ इफ वी एज्यूम ऑल वैल्यू वन तो पहला हो जाएगा थ्री का क्यूब 27, दूसरा हो जाएगा कितना वन, तीसरा वन और लास्ट भी वन, तो 24 आ गया। पुट करो, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, आंसर इज बी ऑप्शन। मैंने एक्स वाई जेड को वन वन माना था ना, ये क्वेश्चन ऐसे करने जल्दी हो जाएंगे। ओके, मैंने आपको उसको शॉर्टकट बताया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर दिस इज थ्री, तो यहां से क्या आता है एक्स की पावर सिक्स क्या आती है
याद है रूलिए, तो पुट करो। देखो पहले दो में से मैं x की पावर 200 कॉमन ले सकता हूं, नेक्स्ट टू में से मैं x टू द पावर 84 कॉमन ले सकता हूं, नेक्स्ट टू में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, और आखिरी में x6 प्लस 1। तो x6 की वैल्यू माइनस 1 है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, आंसर आ गया जीरो। अच्छा ये कैसे हो जाए देख लो एक बार और, ये कैसे बना होगा मैं बार बार बता रहा हूं, इसको याद रखना। इसका स्क्वायर कर लो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 3। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। टेक एक्स स्क्वायर एलसीएम, एक्स 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। और इसमें आप x की पावर स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहां से ये बड़ी काम की चीज होती है, तो आपको याद रखना है कि ये जो वैल्यू है इसका मतलब होता है ये, मैंने बताया भी था उस दिन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स इज ओनली 0 व्हेन ऑल द टर्म्स आर 0। स्क्वायर है ना, आपको दिया है a माइनस 3 का होल स्क्वायर, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, c माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। आप ये बात जानते हो कि स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और इनका सम हो रहा है, ये जीरो तब होंगे जब सारे के सारे जीरो हों अब सेपरेटली। इसका मतलब ए वुड बी 3, बी वुड बी 4 एंड सी वुड बी 9। आपको पूछा अंडररूट ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा प्लस 4, अंडररूट है ना, माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, तो एक्स को एज्यूम करो 1, वाई को एज्यूम करो 1 और जेड करो माइनस 2। तो देखो 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 4 अपॉन 1, अरे समझे, जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा दिस इज माइनस 1 प्लस 4, आंसर इज 3। फिर वही लॉजिक, 3 स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो वो पॉसिबल तब होगा जब इंडिविजुअल हर एक टर्म 0 हो। तो ए कितना हो गया माइनस 1/3। मैं सब ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आज आखिरी क्लास चल रही है इसलिए बस थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूं, है ना। तो अब वैल्यू पूछा है 3a प्लस बी प्लस 2c, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3, आंसर इज, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। वी हैव a अपॉन 1 माइनस a, b अपॉन 1 माइनस b, c अपॉन 1 माइनस c। आपको जो निकालना है ऊपर a b c नहीं है, a और ये b अपॉन 1 माइनस b एंड c अपॉन 1 माइनस c, दिस इज इक्वल टू 1 एंड वी नीड 1 इन द न्यूमरेटर। तो मैं देखो क्या करूं, अगर मैं यहां किसी से 1 एलसीएम ले, 1 माइनस a एलसीएम ले लूं तो a कट जाएगा, फॉर दैट वी नीड टू एड 1, यहां भी ऐड करेंगे 1, यहां भी ऐड करेंगे 1, और इधर कितना ऐड हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम लो, a प्लस 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस a, कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या बन गया, b प्लस 1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b एंड c प्लस 1 माइनस c अपॉन 1 माइनस c। ये c कट गया, ये b कट गया, ये a कट गया, हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया, आंसर इज 4। सेम रूल, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल माइनस 2 एंड c इज इक्वल, सो 2a 2 प्लस 6 और माइनस 7, आंसर इज 1। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं जो कर रहा हूं ध्यान से, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0, ये क्या हो गया, दिस इज स्क्वायर दिस इज स्क्वायर, इनके सम 0 से मतलब क्या दोनों इंडिविजुअल 0 होंगे। x इज इक्वल माइनस 1, y इज इक्वल 0, पुट करो x टू द पावर 31 प्लस y टू द पावर 35, 0 टू द पावर यानी 0 और माइनस 1 टू द पावर ऑड कितना आएगा माइनस 1, आंसर इज ए ऑप्शन। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द्विघात समीकरण नहीं व्यंजन, एक्चुअली समीकरण होती है इसमें इक्वल 0 होता है। अब इसके ग्राफ जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, या तो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक है जिसमें x की पावर 2 है,
देखो इस जगह के बाद वो ऊपर जा रहा है, और ऊपर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसमें वो नीचे जा रहा है कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब फॉर क्वाड्रेटिक या तो फंक्शन ये होगा, देखो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहां पर आएगा मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू कम होती जाएगी यहां पर आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक के दो कंडीशन होती है, या तो मैक्सिमम निकलता है या मिनिमम निकलता है, आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या तो मैक्सिमम निकलता है मिनिमम निकलता है। अच्छा अब वो क्या निकलता है, तो उसकी कंडीशन है इफ इन केस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का कोफिशियंट पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव टर्म है, तो हमेशा मिनिमम निकलता है, ये याद रखना आप। और ए के साथ अगर नेगेटिव है तो हमेशा मैक्सिमम निकलता है। और अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आपको याद रखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ये होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आया है उसी डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से। तो आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी दिया होता है उसकी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, जो होगी वही निकलेगी और वही पूछेगा। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। याद रखना ये फॉर्मूला, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब या तो मैक्सिमम होगा मिनिमम, एक ही चीज होगी। अब आप क्वेश्चन करते हैं जरा इसका। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, बी क्या होता है, एक्स कोफिशियंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर, ए कितना है 1, बी कितना है माइनस 1, और सी कितना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4ac 1 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4a, 4 इंटू 1, सो दिस इज 3/4, ए ऑप्शन। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान दो, ये क्वेश्चन अच्छा है। वी हैव रूट एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एक्स सॉल्व करते हैं, 5 - √21 है ना, 2 होना चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं जो करने जा रहा हूं ध्यान समझना, 10 - √21 अपॉन √2, ये तो हुआ होगा। ऊपर क्या बनेगा अब, 7 3 जा, तो दिस इज √7 - √3, अरे समझ आई बात, अपॉन √2, ये तो मेरा ये सॉल्व हो गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं √32 - 2x, 10 - +√2 √21, अरे समझे कुछ। अच्छा उसके बाद 21 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 22 आए, 21 और 1, तो दिस इज √22 √21 + √1 या 1, वैल्यू पुट करो, ऊपर हो गया √7 - √3। क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आपको लॉजिक पता है, ये शॉर्टकट मैंने बहुत मेहनत करके सिखाया तुम लोगों को, बस उस पर कमांड करना है आपको। अपॉन नीचे हो गया √21 + 1 - √21, क्या आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस 3 इज इक्वल 2a + 2b + 2c। अगला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस 2a + 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b + 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c + 1, को समझ में आया, मैंने सबको पैटर्न बेस कर दिया। ये हो जाएगा पहला पार्ट a - 1 का होल स्क्वायर, ये पार्ट क्या हो जाएगा b - 1 होल स्क्वायर, एंड लास्ट वैल्यू वुड बी c - 1 होल स्क्वायर = 0। राइट, तीनों टर्म का स्क्वायर का सम 0, तो सब 0 होंगे, इसका मतलब a = 1 b = 1 c = 0, सब 0 हो गए, तो सब 1 1 हो गए, आंसर क्या हो गया, 3, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट में कैसे करूंगा, जो 12 का क्वेश्चन है। देखो भाई आपको दिया हुआ है x = 3 + √2, ये जो लाइन है xy = 1, इससे क्या होगा, y = 1/x, है ना, जरा देखो इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इसका मतलब y = 1/x = होगा इसका साइन चेंज, याद है रूल मैंने बताया था, अगर रेसिप्रोकल आ जाता है तो और उनके स्क्वायर का डिफरेंस बन आता तो 1/x उसका उल्टा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वाई आ गया, अब इनको जोड़ दो जरा, x + y कितना होगा 6, और xy 1 दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन करने में 10 सेकंड से भी कम लगेगा अगर आपको ये पॉइंट समझ में आता है। अब सुनो मैं जो करने जा रहा हूं, शायद पहला स्टेप तुम लोग ना समझ पाओ, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो मेरी वैल्यू थी, लिख रहा हूं
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, नहीं फाइव एक्स वाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई पता है और एक्स वाई पता है। ये हो गया कितना, 36 प्लस वन, नीचे क्या हो गया 36 माइनस फाइव, 37 अपॉन 31। आंसर इज डी ऑप्शन। एग्जाम क्वेश्चन है, मजेदार है, तो इसको लॉजिक को याद रखना आप लोग। 102, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं पूछी है, किस एक्स की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, मेथड वन। पहली बात तो देखो, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। कितना है ए? है माइनस फोर, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट होता है ना। बी कितना है? माइनस थ्री। और सी कितना है? टू। पुट करो, माइनस फोर इंटू सी टू माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू माइनस फोर, ये कितना हो जाएगा? माइनस थर्टी टू माइनस नाइन अपॉन माइनस सिक्सटीन, ये तो होगा माइनस फोर्टी वन अपॉन माइनस सिक्सटीन, ये कैंसिल कर दो। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? माइनस फोर्टी वन अपॉन सिक्सटीन। अब आप ये वैल्यू आप पुट करोगे, टाइम वेस्ट होगा, यहां से एक्स निकालोगे। आपको यहां पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं, अब इसका शॉर्टकट समझो जरा। इसका शॉर्टकट ये होगा, आपको पूछा हुआ है मैक्सिमम या मिनिमम, तो एक रूल लिख लेना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, एक और चीज लिख लेना आप लोग, इज इक्वल होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। मैंने एक क्वेश्चन जो पहले कराया था उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, एट x इज इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, ये रूल होता है। आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो वो फॉर्मूला लगेगा और बोलेगा एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, तो ये माइनस बी अपॉन 2 होता है। और ये आया बहुत आसान सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, याद है रूल, वो होगा 2ax प्लस बी और उसको जीरो पुट करते हैं, आया डिफरेंशिएशन से दोनों चीजें। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन 2 है, तो b कितना है? माइनस थ्री, और 2a 2 इंटू माइनस फोर, तो माइनस कैंसिल हो गया माइनस थ्री बाई एट, सी ऑप्शन। समझे? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती इस जगह पर, तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको दो, और अगर भूल जाए तो डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। ओके, एक्स इज इक्वल रूट थ्री प्लस, ध्यान देना इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? वन, तो वन अपॉन एक्स कितना होगा? इनका आपको माइनस चाहिए तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा? ये तो होगा, अब इसको आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट में प्लस थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ये तो करेंगे हम। अब आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना? टू रूट टू आ गया, इसका क्यूब करो तो कितना होगा? सिक्सटीन रूट टू, ये समझ में आया स्टेप? टू का क्यूब तो एट हो गया, रूट टू का क्यूब टू रूट टू हो गया, प्लस सिक्स रूट टू। आंसर इज, इससे आसान मिलेगा आपको, अगर आपको ये रूल पता है कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस वन आए तो सीधे रेसिप्रोकल माइनस कर लेना है, ये तो आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता, नोट करो। देखो सेम कॉन्सेप्ट, एक्स आपको दिया है रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, वाई आपको दिया हुआ है रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन, अच्छा नेक्स्ट देखो एक बात समझो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? वन, ये समझ में? दोनों कट जाएंगे, एक्स वाई वन आ गया। अब अगला स्टेप, इसको कॉन्जुगेशन मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? रूट थ्री माइनस रूट टू, ये हो गया रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया वन, ऊपर हो गया फाइव माइनस टू रूट सिक्स, ये समझ में क्या हुआ? अच्छा, इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? वन, तो x इतना हो गया, तो 1 अपॉन x जो कि y है कितना होगा?
आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब पूछा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में, यार यहां पे माइनस होगा, जब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की बात करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें माइनस होगा। हाँ हाँ, इसमें माइनस होगा। अब सुनो, ये तो एक्स वाई तो वन है, x प्लस वाई का अगर मैं जोड़ता हूं, x है हमारा 5 प्लस 5 माइनस 2, y कितना है 5 प्लस, तो x प्लस वाई कितना हो गया, ये हो गया 10 क्यूब 1000 माइनस 30 970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। ओके, 7 प्लस 2 रूट 12 4 3 जा, तो ये कितना हो गया 2 प्लस रूट 3, और b कितना हो गया, इनका सम कितना होगा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 1, ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो करेंगे a प्लस बी 4 का क्यूब 64 माइनस 3 52 इज द आंसर। ठीक है भाई, 99x plus 88y is this, 88x plus 99y is this, then what will the, देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 88 plus 999 7 8 18x plus 887y, इनको ऐड करो 7 तो x plus y कितना हो गया 1, कितना घटिया क्वेश्चन था, दोनों के कोफिशियंट उल्टे हैं तो जोड़ोगे तो बराबर हो जाएंगे, इक्वल बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, इसको हम ऑप्शन से करेंगे, अगर हम पूरा करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो, हमको तीन चाहिए, इसका मतलब ये पूरा वन बन जाए, ये भी वन बने, ये भी वन बने, सिमेट्रिक क्वेश्चन है। एम की वैल्यू अगर मैं रखता हूं बी वाली वैल्यू, तो देखो ऊपर से ए स्क्वायर कटेगा, बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन हो गया, यहां रखोगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन हो गया, सारे वन हो जाएंगे, आंसर इज डी ऑप्शन। ये ऑप्शन से करना, और हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो ऑप्शन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड जेड इज इक्वल 225, वाई इज 220, देन द वैल्यू ऑफ, देखो मैंने इसका शॉर्टकट बताया था आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अगले ब्रैकेट में हाफ, याद है फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बताया था फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, 225 हो जाएगा 450 और 226 4 576 नहीं 450 था ना, हाँ 676 होगा ना, क्लियर। और x माइनस वाई 1, वाई माइनस जेड 1, और z माइनस एक्स 0, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2, आंसर इज 676। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको ये मैंने बताया था फॉर्मूला जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये बहुत जगह यूज हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फिर वही क्वेश्चन है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 है, ये आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्स को मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8 माइनस 2 रूट 15 बाई 2, कुछ समझ में आया, मैंने ऊपर का स्क्वायर किया नीचे कॉन्जुगेट कर दिया, ये हो गया 4 माइनस रूट 5, नहीं ये होगा 15 होगा यार, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल वाई, और कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 प्रोडक्ट 1, भाई एक्स वाई को गुणा कर लो दोनों कर जाएंगे 1 आ जाएगा। अब हमको निकालना है ये वैल्यू, तो जो मैं लिख रहा हूं तुम लोग अब समझ जाओगे कि पहले कर चुके हो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है भाई। एक्स प्लस वाई 8, 64 माइनस 1, 63 एंड 61, आंसर कौन सा हो गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वन ऑफ द फैक्टर, देखो यार तरीका नंबर एक, या तो आप ऑप्शन से पुट कर लो, है ना। ऑप्शन से पुट करने में एक ध्यान रखना बात, अगर प्लस माइनस वैल्यू होती है, चलो पहले हम सीधे स्टार्ट करते हैं। मान लेते ये ऑप्शन होता हमारा, वन ऑफ द फैक्टर पूछा ना, या तो फैक्टराइज कर लो, टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, 3/4 रख रहे हैं, तो 4√3 इंटू 9/16 प्लस 15/4 माइनस 2√3, ये रूट रूट में और ये बिना रूट का तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, नहीं समझ बात, ये तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, मतलब रूट वाला आंसर होगा, समझो मेरी बात, रूट होने चाहिए सब में। अच्छा अब दूसरा रखते हैं, येला रखते हैं पहले, √3/4 पहला पार्ट, 4√3, √3 का स्क्वायर 3/16 प्लस 5√3/4 और माइनस 2√3, ये हो गया कितना, 3√3/4 प्लस 5√3/4, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2√3, जो कि कट जाएगा, आंसर इज डी ऑप्शन, रिवर्स कर दिया मैंने ऑप्शन रखकर देख लिया, बाकी आप फैक्टर भी कर सकते थे, क्वाड्रेटिक बनेगी आराम से हो जाएंगे, लेकिन इससे जल्दी हो गया। हां अगर कोई वैल्यू किसी का फैक्टर है तो उसमें एक्स, अगर एक्स माइनस वन, मैंने बताया था आपको फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, एक्स माइनस वन जीरो पुट करो, एक्स आ गया वन, तो अगर ये फैक्टर है तो यहां पर एक्स की जगह वन रखने पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, 1+k1+k2 इज इक्वल 0 गिव्स यू k1+k2 एज माइनस वन। अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन लिख लो, k1+k2 ये वन नहीं दे रहा है, इनका सम वन दे रहा है, इनका सम वन नहीं दे रहा है, इनका सम वन दे रहा है ना, दो ऑप्शन बचे। अब सेकंड कंडीशन, एक्स प्लस 3 भी तो इसका रूट है, एक्स प्लस 3 जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3, सो 9 -3k1 प्लस k2 जीरो। तो देखो पहला ऑप्शन रखते हैं, k1 रखो -6 -3, यस बी ऑप्शन, नहीं समझे बात, क्यों लंबा करो, आपको ये पता लग गया कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से एक चेक कर लिया मैंने, पहला मेरा आंसर आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके एक्स माइनस टू जो फैक्टर ऑफ दिस, तो एक्स माइनस टू फैक्टर, तो पुट एक्स माइनस टू जीरो, वी गेट एक्स इज इक्वल टू, नाउ पुट एक्स इक्वल टू इन दिस, 4+6q -2q इज इक्वल 0, सो 4q इज इक्वल -4, सो वैल्यू ऑफ 4q वुड बी -1। इफ फॉर टू रियल कॉन्स्टेंट ए एंड बी द एक्सप्रेशन दिस इज एक्जैक्टली डिवाइडेड एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम एक्स प्लस टू को जीरो पुट करेंगे, उससे एक्स आएगा -2, यहां पुट करेंगे, पहले मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, तो एक्स माइनस टू वेन पुट एट जीरो गिव्स यू एक्स एस टू, तो पुट करो 8a+12 -16+b इज इक्वल 0, तो यहां से आगे 8a+b इज इक्वल 4। अब आप सीधे ऑप्शन ले लो, ऐसी कौन सी रखने से 8a+b 4 आ रहा है, 16 नहीं आएगा, 16 -12 आ सकता है, -16+12 नहीं आएगा, खत्म क्वेश्चन, यहां पे जल्दी हो गया, एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई हो गया, नहीं समझे बात, तरीका तो यही होता है ना, या तो आप दोनों सॉल्व कर लो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आ लो, टाइम वेस्ट होगा। ओके दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर, तो आसान क्वेश्चन है, 3x+2 इज इक्वल 0, एक्स कितना हो गया, पुट कर दो 12 × -8/27, ठीक है, -13 × 4/9, जहां पर स्क्वायर है मैं प्लस कर रहा हूं, -+5 × 2/3 +7, तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो, दिस इज 4, दिस इज 9, और अब कुछ नहीं कटेगा ना, 9 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
पहले ख्याल से हम लोग नाइन दोनों का, फर्स्ट टू का 32 और 52 कितना हो जाएगा 84 माइनस का प्लस यार हाँ ठीक है 52 फाइव टू जो 10 और 21 31 बाई 3 हाँ? क्या जी आखिरी में 7 था ना 21 और 10 वो माइनस है ना ये 13 है 4 बाई 9 होगा माइनस का और ये होगा माइनस का 8 बाई 27 सब सही है तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 42 नहीं 28 तो माइनस वन आएगा उन्हें प्लस वन आंसर डी ऑप्शन. ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ये डेसिमल पार्ट को हटा देगा और बैक साइड जाएगा मतलब 1.9 दिया है तो इसको वन कर देगा 1.01 दिया है तो भी वन होगा और अगर माइनस 2.3 दिया है तो क्या होगा बताओ माइनस 3 एक्चुअली होता क्या ये 1 है ये माइनस 1 है ये माइनस 2 है ये 2 है ये जो ब्रैकेट होता है ना अगर वैल्यू यहां पर है इसको बैक साइड ग्रेटेस्ट लोएस्ट इंटीजर पहुंचा देता है अगर वैल्यू यहां पर है तो उसका बैक तो माइनस में होगा ना इसका मतलब अगर 2.3 यहां पर कहीं होगा यहां पर 2.3 तो बैक क्या होगा हाँ नंबर लाइन पर बैक साइड शिफ्ट करता है और वो भी नियरेस्ट इंटीजर के पास तो इसका मतलब अगर आपके पास ऐसा ब्रैकेट दे दे इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर उल्टा बोलते हैं ग्रेटेस्ट बोलते हैं लेकिन ज्यादा बैक है माइनस 1/4 का क्या होगा माइनस 1 बैक साइड 4 1/4 का क्या होगा प्लस 4 और 3 का 3 रहेगा आंसर इज 6 ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान समझना देखो इससे पहले का ये कटा ये कटेगा मतलब हर बार 2 बच रहा है और 31 से पहले का कट जाएगा 64 बच जाएगा 64 का आएगा उसने इसका मतलब देखो आपको देखना होगा यहां पर क्या होगा पहले इधर क्या होगा 62 होगा ना अब आपको देखना होगा 62 को 31 से काटोगे 2 बचेगा तो आपको देखना होगा ये 2 कितनी बार है क्योंकि 64 में 2 की पावर है 6 समझे ये कितनी बार होगा 2 देखो यहां पर 30/62 होगा ना 1 2 3 4 30/62 अगले 31 है मतलब 30 बार 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 ये बस समझने की बात थी इज इक्वल 1/2 की पावर एक्स समझ में आया कैसे मैंने 30 निकाला ऊपर 1 है फिर 2 है 3 है 31 है तो 30 इससे पहले 30 होगा मतलब नीचे 2 30 बार आएगा 2 की पावर 30 है 2 की पावर 6 ही है तो दिस इज 1/2 की पावर 36 इज इक्वल 1/2 की पावर एक्स तो एक्स कितना हो गया सी ऑप्शन हाँ भाई ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है 47.2506 में क्या लिख रहा हूं ध्यान देना 40 प्लस 7 प्लस 2/10 प्लस 5/100 प्लस 6/10,000 यही तो होगा अब जरा कंपेयर करो 4a 40 तो ये कितना हो गया 7/b तो b कितना हो गया 1 2c इज इक्वल 2/10 तो c कितना हो गया 5/d इज इक्वल 5/100 तो d कितना हो गया ना 100 इधर देखो d नीचे है और e कितना हो गया 1/10,000 क्योंकि e ऊपर दिया हुआ है अरे समझे ये क्लियर हुआ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पूछा हुआ है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस e इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू है ये और ये बनाएंगे डेसिमल और जितने होल नंबर ये बनाएंगे क्या डेसिमल से पहला हिस्सा
तो देखो, एक तो डी आपका होल नंबर है, एक बी होल नंबर है और एक ए होल। पहले इनको सॉल्व करते हैं। 5A बन जाएगा 50, 3B बन जाएगा 3 और डी बन जाएगा 100, तो 153 से बड़ा आंसर होगा सी ऑप्शन। नहीं समझे बात? मैंने डेसिमल छोड़ दिया, जल्दी करने तरीका है ये, कंपेयर कराओ जल्दी जल्दी और फिर क्या हो सकता है वो देख लो। अच्छा, यहां पे लगेगा सी एंड डी। अगर ऐसा कुछ है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल एम, तो इसको वन मान लो, लगा दो सी एंड डी। सी एंड डी जब लगाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा ए बाई बी और ये हो जाएगा एम प्लस वन अपॉन, ये उल्लू याद रखना। तो देखो मैं लगा रहा हूं सी एंड डी, ये देखो सेम है, ये वैल्यू सेम है इसके साथ और ये वैल्यू सेम है इसके साथ और बीच में प्लस माइनस, ये सी एन डी रूल होता है। तो जब मैं लिखूंगा यहां पे सी एन डी, ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस एक्स अपॉन इज इक्वल, यहां मान लो वन, टू प्लस वन अपॉन, समझे भाई, इसका स्क्वायर कर दो, थ्री प्लस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा कितना थ्री, तो नाइन हो गया, फिर वन मान लो इसको। फिर देखो ए प्लस बी और ए माइनस भी दिख रहा है, फिर लगा दो सी एन डी, थ्री बाई एक्स इज इक्वल नाइन प्लस वन अपॉन नाइन माइनस वन, तो ये जाएगा थ्री बाई एक्स इज इक्वल टेन बाई एट, फाइव बाई फोर, एक्स कितना हो गया ट्वेल्व बाई फाइव, बी ऑप्शन। फिर वही सी एन डी, एक्स प्लस फोर अंडरवुड अपॉन एक्स माइनस फोर अंडरवुड इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन, ये हो जाएगा थ्री बाई वन, स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर इज इक्वल नाइन। फिर सी एन डी लगा दो, एक्स बाई फोर इज इक्वल नाइन प्लस वन अपॉन नाइन माइनस वन, ये हो जाएगा टेन बाई एट या फाइव बाई फोर, तो फोर वर्क कट गया, एक्स आ गया फाइव। बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट, सो मैंने बताया था आपको पी प्लस वन बाई फोर पी। अब ध्यान देना मैं जो करने जा रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं रूट पी का होल स्क्वायर, मैंने के को भी छोड़ दिया अभी, ठीक है, प्लस टू इंटू रूट पी है ना इंटू के या इंटू ए मान लेते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर होगा तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा है ना, यहां पे प्लस के स्क्वायर है। अरे समझे मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी, तभी तो मतलब के स्क्वायर मुझे यहां मिल गया, बल्कि इसको आप यहां पे के स्क्वायर ही रख दो और यहां पे के कर लो, ठीक है भाई। अब ये पूरा पूरा कंपेयर करा दो इससे, वन बाई फोर अंडर रूट पी इज इक्वल टू रूट पी के, और के प्लस माइनस दोनों हो सकता है क्योंकि माइनस भी तो फॉर्मूला होता है ना। देखो ये रूट पी कट गया, के इज इक्वल वन बाई एट प्लस माइनस, सी ऑप्शन। अब आप रख के देख लो, सबसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन दिया है टू प्लस रूट थ्री ए इज इक्वल वन, सो ए कितना हो गया वन दिया ना इसके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं टू माइनस रूट थ्री भी तो कर सकता हूं क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस बना रहा है। उसी तरह से बी कितना हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री। अच्छा सॉरी, इसको करने की जरूरत नहीं, हमें वन अपॉन ए निकालना है ना, तो यहां से वन अपॉन ए कितना हो गया टू प्लस रूट थ्री और वन अपॉन बी कितना हो गया, इनको ऐड कर दो आंसर क्या हो गया फोर। घटिया क्वेश्चन था। ओके 122, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ट्रू। देखो यार ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो जो मैं करने जा रहा ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू ए बाई टू, मैंने क्या किया ए एक्स लिख सकता है ऐसे, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होना चाहिए,
ए स्क्वायर बाई टू, ये तो होगा तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और बोला ये टर्म इसके बराबर है, इसका मतलब बी बराबर किसके हो गया, तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। नहीं ये फोर होगा यार, यहां पर इसका स्क्वायर करो तो फोर आएगा ना नीचे, तो फोर बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, बी ऑप्शन। ओके ए फोर बी फोर इज इक्वल, तो आपको पूछा ए सिक्स, देखो ऐसा करते हैं ए सिक्स प्लस बी सिक्स, इसको लिखता हूं मैं ए स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में ए फोर प्लस बी फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो होगा। और ये वैल्यू कितने तरीके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, अरे समझे, जो थोड़ी टफी क्वेश्चन होता है, आसान भी होते हैं क्वेश्चन कभी कभी। ओके एक्स ए प्लस वन अपॉन ए, वाई ए माइनस वन अपॉन ए, आपको पूछा देखो ये वैल्यू, मैं क्या करूंगा ध्यान समझना, मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूं इसको, और जो अगला स्टेप कर रहा हूं वो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तो होगा। एक्स प्लस वाई जोड़ो इनको टू ए, और एक्स माइनस वाई टू बाई ए, क्यों स्क्वायर 16, कितना कटेगा क्वेश्चन था। ओके वन अपॉन एक्स, देखो यहां से क्या होगा, अगर मैं इसको लिखता हूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और अच्छा देखते हैं क्या हो सकता है, यहां पर वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल एक्स वाई, एलसीएम आ गया एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ये तो होगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल जीरो, इसका मतलब इसमें लगाओ फॉर्मूला दूसरा वाला x माइनस वाई, एक फॉर्मूला होता है ना ये भी तो होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो कि जीरो आ गया आंसर इज ए। वो डिपेंड करता है आप क्या लगाओ फॉर्मूला जिस हिसाब से क्वेश्चन हिसाब से। नेक्स्ट, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसको करने के कई तरीके, सबसे आसान तरीका ये सोच लाने के लिए आपको टाइम लग जाएगा, मैं जो करने जा रहा हूं ध्यान देना, नीचे है टू की पावर टू बाई थ्री, टू की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, ठीक है, मैं टू की पावर वन बाई थ्री माइनस वन से बोथ साइड गुणा कर रहा हूं, इज इक्वल ए टू टू द पावर टू बाई थ्री प्लस बी टू टू द पावर वन बाई थ्री प्लस सी। देखो यार नीचे क्या हो गया, ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब टू की पावर वन बाई थ्री का क्यूब माइनस वन का क्यूब, ये तो वन हो गया, और ऊपर क्या हो गया टू की पावर वन बाई थ्री, ये समझना सबको, ये तो वन हो गया, इज इक्वल a इंटू टू की पावर टू बाई थ्री प्लस b इंटू टू की पावर प्लस सी। नाउ इंपॉर्टेंट बात, ये तो वन हो गया नहीं चला, अगर ऐसे रैशनल वैल्यूज होती हैं, इसको बोलते हैं रैशनल वैल्यूज, इरेशनल वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है पावर, तो यहां पे 2 की पावर 2 बाई थ्री के साथ a है, इधर 2 की पावर 2 बाई थ्री के साथ क्या है जीरो, है ही नहीं कुछ, समझे। अच्छा देखो इधर 2 की पावर 2 बाई थ्री के साथ a है, इधर 2 की पावर 2 इधर जीरो, तो a का वैल्यू कितना हो गया, इधर 2 की पावर 1 बाई थ्री के साथ b है, इधर 2 की पावर 1 है तो b कितना हो गया, और c की वैल्यू इधर माइनस वन है, हमें पूछा क्या है इनका सम जीरो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, मेंस का क्वेश्चन शायद ना 2012 का। आप एक काम करो ना, 2 की पावर 1 बाई थ्री को x मान लो, तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा
मैंने 2 के 1 बाई 2 को मान लिया एक्स, ये क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैंने इसको x माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हो गया x क्यूब माइनस 1, ऊपर हो गया x माइनस 1। और अगर मैंने x को माना है 2 1 बाई 2 तो 2 की वैल्यू जाएगी x का क्यूब, तो ये तो 1 होकर नहीं चला, इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, अब कंपेयर कर दो, इधर x स्क्वायर के साथ a, इधर x स्क्वायर के साथ 0, ए कितना आ गया 0, बी आ गया 1 और सी आ गया माइनस 1, हो गया भाई। अब ऐड कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल ए एंड एक्स वाई इज इक्वल बी स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यार, इसमें और इसमें और इसमें आप इसमें लगा दो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इन दोनों में कॉमन ले लो आप माइनस एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा, तो पूरे में से एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, भाई एक्स वाई ये एक्स वाई है, तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई और अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस, अच्छा और एक स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई, क्यों ऐसा किया, मुझे दिया जो है उसके हिसाब से करूंगा ना, एक्स प्लस वाई कितना है ए, ये हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस फोर बी, तो क्या आंसर हो गया ए क्यूब माइनस फोर ए बी, माइनस में है ना, ए ऑप्शन हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, देखो यार मैं अगर इसमें ए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं बस क्वेश्चन खत्म, दिस इज ए क्यूब माइनस वन इज इक्वल जीरो, तो ए नाइन क्या होगा, नहीं समझे बात, इक्वल जीरो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हां बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, ठीक है, तो देखो क्या आएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, एक वैल्यू तो ये आएगी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, यही तो होगा, और ऊपर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये तो प्लस वाला माइनस वाला क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ये हो गया माइनस टू ए एक्स, क्लियर। अब नीचे जरा ध्यान देना, ए प्लस बी और ए माइनस बी कुछ दिख रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू एक्स। अब जरा स्टेप देखना, ये हो गया ए फोर प्लस एक्स फोर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो बचेगा क्या प्लस का, ये तो ये और ये सेम नहीं हो गए प्लस वाले, सब कुछ खत्म। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक दूसरे क्वेश्चन आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, दिस इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो देखो एक्स प्लस वाई कितना है 2p और x माइनस वाई 2 बाई पी होल स्क्वायर, पीपी कट गया 16 इज डन।